हाय गुड मॉर्निंग। आज 17 जुलाई की सुबह और जितना अभी तक हमें खबर मिली है रिगार्डिंग दी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेस उनका मैं बता देता हूँ। देखिए व्हाई दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जब खुलता है तो वो जो ऊपर के बच्चे हैं, जैसे अगर हम रफली मान रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा 650 पे ख़त्म हो जाएगा, तो ऑल इंडिया कोटा अगर 50 नए कॉलेज खुलेंगे तो 15% सीटों के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें आएंगी आइडिया लगाइए आप। तो वो जो कट ऑफ है ना वो 5 से 8 नंबर नीचे जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है उस सेगमेंट के बच्चों के लिए, तो वो बताएंगे। और अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा खुलते हैं तो स्टेट्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है। प्राइवेट चूँकि ओपन स्टेट है, नीचे के नंबर वालों को भी मिलता है, तो दैट्स वाई समटाइम इट बिकम्स मोर रेलिवेंट। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने बात की थी, अभी वह पूरी लिस्ट नहीं आई है हमारे पास, क्योंकि जैसा मैंने कहा कई लोगों ने रीअप्लाई कर दिया है। तो 48 जो प्राइवेट कॉलेज जिन्होंने अप्रूवल मांगा था उसमें जो मेरी खबर है और जिसको हम ट्रैक कर पाए हैं स्टेट बाय स्टेट, कि बिहार में फ़िलहाल एक को मिल गया है, हिमालयन मेडिकल कॉलेज जो पटना में है वो कन्फर्म हो गया है। दूसरे का अभी चल रहा है जो खगड़िया वाला है। छत्तीसगढ़ के दोनों को मिल गया है, अभिषेक मिश्रा और श्री रावतपुरा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान। मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको अपनी खबर बताई कि GIT को मिल जाएगा पर अभी नहीं मिला है, व्यास को मिल गया, सुधा को मिल गया, इन तीन को मिल गया है, गीतांजलि को पक्का नहीं मिला, देव को नहीं मिला, सुरेंद्र को फिलहाल नहीं मिला, तो तीन हैं। दूसरा नॉर्थ इंडिया में जी उत्तराखंड ग्राफिक एरिया 100% मिल चुका है और इम्पीरियल सीट को नहीं मिला है। UP सबसे इम्पोर्टेंट, अजय संगाल शामली मिल चुका है। BS कुशवाहा को फिलहाल अटक गया है, फिर से लगता है कुछ प्रोसेस में मिस्टेक हुई है, अदरवाइज मैंने बहुत अच्छी रेपुटेशन सुनी है। KMC मेडिकल कॉलेज पक्का मिल गया है। RG हाथरस नहीं मिला है। RSS मथुरा नहीं मिला है। उसके बाद गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज मिल गया है और मवाना SVS नहीं मिला है। ओके, तो देखा जाए तो UP में अजय संगाल, KMC, गोरखपुर और एक संभल का कॉलेज है श्री सिद्धि विनायक, इन चारों को पक्का मिल गया है। तो नॉर्थ की बात करें तो यही हैं, बाकी बंगाल में हैं 4-5। देखिए मोस्टली में से बंगाल ने 5 मांगे थे वो अभी पता नहीं है, UP में आ गए हैं, तेलंगाना में 3 मांगे थे, तमिलनाडु में हैं, पंजाब में 1 ही जिसका अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ पा रही है। तो पॉइंट वही है मेरा कि हिंदी भाषी, देखिए फिर से जो कम मार्क्स वाले होते हैं नॉर्थ इंडियन, जो मेरा चैनल भी ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ना हम बंगाल जाना चाहते हैं, हमारे पुराने कॉलेज हैं ही, तेलंगाना एक्सेट्रा तमिलनाडु में स्टेट कॉलेज खुलने से हमें कुछ बहुत फ़ायदा नहीं होता, कर्नाटका स्टेट के कॉलेज खुल जाएंगे खास फ़ायदा नहीं है, ओ कोटा NRI कोटा डेफिनेटली मिलेगा और 40% मेरिट सीट्स हैं। तो हमारे मतलब की जो ज़्यादा सीटें विच इज़ राजस्थान एंड स्पेशली UP, बहुत ज़्यादा कॉलेज प्राइवेट के नहीं आ रहे। 8 में से UP में अगर 4 ही आते हैं और राजस्थान में 6 में से 3 ही आते हैं, फिर UP में फीस नहीं बढ़ी है, बाकी हर जगह बढ़ गई है, तो कंपटीशन फॉर UP विल इंक्रीज। अब जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो लोकेशन एडवांटेज है, जैसे मैं कहूँगा वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर और NC पानीपत के बगल में ही पड़ रहा है, या अजय संगाल शामली वाला, तो उस बेल्ट में जो हरियाणा के लोग रहते हैं उनके लिए शामली वाला कॉलेज उतना ही दूर है जितना झज्जर और NC होगा, और 20 लाख की बचत भी होगी। और मेरे पास जो फीडबैक आ गई है कि अजय संगाल दिखने में मे बी बेटर देन दीज 2 कॉलेजेस, तो सोचिए आप इस तरफ हो गया। संभल का कॉलेज भी तारीफें सुन रहा हूँ मैं, वो वेंकटेश्वर गजरौला से राइट मार गया 50 किलोमीटर, बाकी दोनों कॉलेज तो गोरखपुर साइड पे हैं, तो डिस्टेंस का इशू रहेगा, लेकिन ठीक है UP की उस तरफ के बच्चों को हेल्प हो जाएगी। तो ओवरऑल हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत कट ऑफ्स गिरने नहीं वाली, कॉम्पिटिशन होगा, खासकर मैं लो कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा अपना मानना है कि देयर वुड बी शिफ्ट फ्रॉम हरियाणा स्टूडेंट टू UP साइड, खासकर जिनको मिल सकता है कॉलेज वहाँ पे, तो झज्जर और NC कट ऑफ गिरेगी, vis-a-vis उनकी कट ऑफ बढ़ेगी, वो एक है जो होने वाला है। तो ये आपके लिए समरी है एज ऑन 17 जुलाई मॉर्निंग, और उसके हिसाब से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कीप योर बैकअप्स रेडी। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं 240 मार्क्स हैं, 260 मार्क्स और बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं तो UP पक्का मिल जाएगा, या कोई आपको ऐसे बेकार है, देखिए मिल जाए बहुत अच्छा है, राउंड 1 में पता चल जाएगा ना, सीट तो अपना मिलनी है काउंसलिंग से मिलनी है। तो मैं हमेशा जो आपको कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर बैकअप, बैकअप मतलब ये है कि जब राउंड 1 में आपको और मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, ना मिले
क्या आपने BDS के बारे में सोचना है, BMS के बारे में सोचना है, अगर बजट कम है, या मिनी इंडिया आपको लगता होगी मैं कुछ खास हूँ नेपाल में, इसलिए बाबा नेपाल बोलता हूँ कि जो लोग इंडिया पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नेपाल एक मिनी इंडिया हो जाता है, नहीं तो हम रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान भी कंसीडर कर सकते हैं और कंट्री भी कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवा के रखिए, बेसिक एडमिशन ले लीजिए, 20-50 हज़ार का खर्चा भी बड़ी बात नहीं है, जब हम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं ताकि अगर वो नौबत आ जाए तो वी आर रेडी। जैसे मैं क्यों बाबा फिर से नेपाल जिक्र, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो नहीं सकता ना अगर आपने वो नेपाल का फॉर्म नहीं भरा जो उस समय खुला हुआ है, और अगला मंडे ही उसकी लास्ट डेट है फॉर नॉमिनल फीस, और 29 जुलाई है, फिर आपके पैसे भी और लगेंगे वो फॉर्म भरने में। तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्म भर लीजिए, आपके पास एक ऑप्शन रहेगी, अगर UP नहीं गिरा तो फिर आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ नहीं जाना कोई बात नहीं, रशिया उज्बेकिस्तान चले जाना, बाहर भी नहीं जाना, BDS कर लेना, BMS कर लेना, कुछ भी नहीं करना, साइकोलॉजी, बायोटेक, साइंस, पैरामेडिकल, पैराक्लिनिकल कोर्सेज, नहीं तो एज ए करियर काउंसलर आई हैव एनकरेज पीपल मेडिकल छोड़ के BBA भी करने के लिए, BGMC भी करने के लिए, डिज़ाइनिंग भी करने के लिए। तो दुनिया बहुत बड़ी है, ऑप्शंस बहुत है, बट प्लानिंग करके चलिए, बैकअप्स लेके चलिए, यही मेरी सजेशन है। ओके, एंड बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसी वजह से डिले हो रही है काउंसलिंग, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट्स और काफ़ी सारे सरकारी का इस समय वो चल रहा है टू एंड फ्रो विद NMC रिगार्डिंग द फाइनल परमिशन, और उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ शॉर्ट समरी फॉर यू। यू नो अवर नंबर 9643362320। देखिए, पहले मैं हर वीडियो में बोलता था, मैंने एक आर्ट, क्योंकि मैं थक जाता हूँ बोल बोल के, तो मैंने दो लाइनें लिख दी हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगी, कि वी आर पेड काउंसलर फ्रॉम Day 1। किसी को हमारे चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, भाई आपको हम तो नहीं कह रहे फ़ोन करने को, कोई कहता है कि आपके चार्ज न्यूरोसर्जन जैसे हैं, बिल्कुल हैं, एंड आई डिज़र्व आई थिंक, और हम तो फिर भी 2500 रुपये लेके 20-25 मिनट देते हैं, एक न्यूरोसर्जन तो 2500 रुपये लेके 5-8 मिनट बात करता है, राइट? और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो नॉलेज है इस सेगमेंट में, इट इज़ एज गुड एज अ न्यूरोसर्जन जो उसके पास नॉलेज है, जो आप लोग भी लेने वाले हो कल को जब आप MDMS कर लोगे, राइट? सो देन इन बिग सिटीज़ 2500 रुपये कंसल्टेशन इज़ वेरी नॉर्मल, जिसमें हम तो डॉक्टर्स तो 5-7 मिनट देते हैं, मैं तो फिर भी 25 मिनट दे रहा हूँ, राइट? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड हैव ए नाइस डे वंस अगेन। बेस्ट विशेज, 17 जुलाई आज चल रही है, आई होप कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाए और उसके हिसाब से NMC वाला काम भी ख़त्म हो जाए। दोनों चीज़ें अगर पॉजिटिव रही फॉर उन बच्चों के लिए जिन्हें सीट चाहिए और रीनीट नहीं चाहते, तो स्टार्ट हो जाएगा, और जो रीनीट चाहते हैं उनका पॉजिटिव फैसला ये है कि एग्ज़ाम हो। आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, और इन एनी केस कीप योर बैकअप्स रेडी इज़ ऑलवेज माई सजेशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।